दोस्तों, मैं हूं सपन राज और आपका राज ग्राफिक ज्ञान में स्वागत है। जैसा कंटिन्यू आपको टेबल के बारे में बता रहा था, उसी में नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं। टेबल हम कुछ भी टाइप करते हैं किसी सेल के अंदर में, तो उसमें हम कुछ भी करते टेक्स्ट टाइप करते उसकी क्या होती है, टेक्स्ट बोलते हैं। तो उसमें कुछ टेक्स्ट की सेटिंग होती है, टेक्स्ट के अराउंड हम कितना स्पेस रख सकते हैं, कितना छोड़ सकते हैं, टेक्स्ट को हम कैसे रोटेट कर सकते हैं, उसमें बहुत कुछ सेटिंग होती है जो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करता हूँ, आपको आज बताता हूँ सेल में टेक्स्ट की सेटिंग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई टेबल बना लेता हूँ। अगर आपने पहले एक वीडियो नहीं देखी तो आपको इससे पता भी चल जाएगा आप टेबल कैसे बनाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम टाइप टूल लेते हैं, ठीक है। और आपको जितनी बड़ी टेबल चाहिए उतनी बड़ी हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ तक ड्रॉ किया, फिर टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल में जाते हैं, इंसर्ट टेबल करते हैं। आपको यहाँ जितनी रो चाहिए वहाँ टाइप कर दें और जितनी कॉलम चाहिए उतना आप टाइप कर दें, ठीक है। मैंने यहाँ 12 रो लिए और मान लो 4 कॉलम लिए, ओके कर दिया। हमारे देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हमारे 1 2 3 4 कॉलम बन गया और रो देखिए हमारे बन गए। अब चलिए हम इसकी टेक्स्ट की सेटिंग बताते हैं। इसके अंदर हमें कुछ टाइप करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। जूम कर दिया, इसके अंदर कुछ मैं लिख रहा हूँ। सपोज मैं अपने चैनल का नाम ही लिख रहा हूँ, ठीक है। लिख दिया मैंने राज ग्राफिक ज्ञान। अब मैं इसकी सेटिंग बताता हूँ, अभी इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ जिससे आसानी से आपको समझने में आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ जो टेक्स्ट है आपकी चिपक रही है, देखिए यहाँ पे चिपक रही है इस तरह से। हम चाहते हैं जो डिस्टेंस है इसकी टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से जो टेक्स्ट ही है इसकी सेटिंग। तो मैं थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, जो ये कॉलम है। जैसे हम यहाँ को माउस को लाएंगे तो ये माउस हमारे एरो में कन्वर्ट होगी। माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखूँगा, अंदर की तरफ मैं थोड़ा खींच देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने खींच दिया, अब थोड़ा जूम कर दूँगा तो आपको देखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब देखिए हमने यहाँ किया टाइप टूल लेके इसके अंदर क्लिक किया। हम चाहते हैं इसके अंदर जो सेटिंग है टेक्स्ट की वो हम थोड़ा कम ज़्यादा कर ले, जो टेक्स्ट के अराउंड जो हमारे चारों तरफ से स्पेस आ रहा है वो कम ज़्यादा, उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करना है, इसमें क्लिक रखा, टेबल में गए, उसके यहाँ आपको जाना है सेल ऑप्शन में। जब सेल ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 4-5 ऑप्शन दिखेंगे, टेक्स्ट का, ग्राफिक का, स्ट्रोक एंड फिल का, रोज कॉलम का, डायगोनल लाइंस का। मैं एक एक करके आपको सबको बताऊंगा। आज मेरा पहला है टेक्स्ट की, जो सेल ऑप्शन में हम क्या टेक्स्ट की सेटिंग कैसे करते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Alt+V। हमने इसे प्रेस किया, हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया, जिसमें हमारी पहला जो है आपका टेक्स्ट की सेटिंग का है। तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर आपको दिया हुआ सेल इंसर्ट्स। अब सेल इंसर्ट्स का मतलब हम जो यहाँ सेल के अंदर जो लिखते हैं उसके अराउंड जो चारों तरफ कितना स्पेस छोड़ के टेक्स्ट आएगा। थोड़ी होती है ना आपकी मार्जिन छोड़ना, कैसे आपको सिखाया मैंने कि हम कुछ भी डिजाइन करते हैं उसी मार्जिन छोड़ते हैं, तो उसी तरह हम सेल के अंदर जो आपका एक बॉक्स होता है यहाँ पे उसको हम सेल बोलते हैं, उसके अंदर कुछ भी टाइप करते हैं तो उसको हम कितना मार्जिन छोड़ते हैं। तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे देखते हैं 1.411 mm छोड़ रखा है, ये कॉर्नर में देख रही है, तो ऊपर नीचे से लेफ्ट से साइड से इतना स्पेस छोड़ के ही टेक्स्ट आएगा, तो इतना छोड़ रखा था। अब आपको इसको कम ज़्यादा करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो दूसरी बात क्या है, आपको जो भी यहाँ करेंगे आप सबसे पहले यहाँ प्रीव्यू बटन को चेक कर लें, ऑन करेंगे तो आपको जो भी यहाँ चेंजेस करेंगे आपको यहाँ दिखेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैंने चेन देखा, चेन ऑन है आपका, मतलब हाईलाइट है। अब इसमें एक किसी एक में जैसे यहाँ देखिए 4 दिख रहा है टॉप से, मतलब यहाँ टॉप, बॉटम इस टेक्स्ट के नीचे, लेफ्ट इस तरफ से और राइट इस तरफ से। अब मार्जिन को मान लो आपको बढ़ाना है, आप चाहते हैं चारों तरफ इक्वल बढ़े तो इस चेन को ऑन रखें। अगर चाहते नहीं सिर्फ किसी एक तरफ हम जिसमें कि उसमें हो, इस चेन पर क्लिक करके ऑफ कर देंगे तो कट लग गया, मतलब किसी एक तरफ करें तो एक तरफ ही होगा। अगर चारों तरफ चाहते हैं जिसको ऑन कर दिए कट हट जाएगा। तब हम चाहते हैं चारों तरफ से हमारा 3 mm का मार्जिन छूट जाए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम कर देते हैं इसको 3 mm, ठीक है। अब देखिए जैसे हम 3 किए ऑटोमेटिक देखिए हमारा क्या होगा, ऊपर से 3 छूट गया, ये देखिए। आप थोड़ा सा इसको हटाता हूँ ओके करके, आप देखिए आप क्या हो गया, इसने क्या किया, टॉप से 3 mm लिया, लेफ्ट से लिया, बॉटम से लिया और राइट से भी लिया। अब जो एक्स्ट्रा लगा इसको 3 mm के अंदर, उसने उस चीज़ को ऑटोमेटिक नीचे वाली लाइन में कर दिया फ्लो। अब देखिए मैं थोड़ा 3 mm का एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ 3 mm और नीचे भी 3 mm और ओके करता हूँ। अब देखिए क्या हुआ इसका, अब जो इसको यहाँ से लगा 3 mm, अब जो टेक्स्ट रखेगा वो इसके अंदर यहाँ तक ही रखेगा वो, हम जो 3 mm रखा इसके अंदर। अब ग्राफिक जो यहाँ लाइन आता है वो क्या था, इससे थोड़ा बाहर जा रहा था इसलिए ऑटोमेटिक इसने फ्लो कर नीचे कर दिया। तो आप देखिए ऊपर से भी इसने क्या किया, यहाँ से 3 mm रखा, इधर से भी 3 mm रखा और बॉटम से भी इसने 3 mm रखा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर शिफ्ट चेंज कर सकते हैं आप जो इसके टेक्स्ट की होती है। उसके लिए आपको वही करना है, टेबल में जाना है, सेल में जाना है, टेक्स्ट में जाना है, आपको जितना भी रखना है। आपको लगता है ज़्यादा हो गया तो इसको आप 2 mm कर दें, ओके कीजिए। देखिए जैसे हमने 2 mm किया, देखिए आपको क्या हो गया, ये अंदर की तरफ आ गया, ये जो हमने राज ग्राफिक लिखा पूरा आ गया और इसमें टेक्स्ट के चारों तरफ अपनी ब्रीदिंग स्पेस भी अच्छी खासी हो गई। तो इस तरह से आप अपनी क्या सेल की जो भी होता है आप सेट कर सकते हैं, आपको कितना चाहिए। अगर आप पूरे टेबल में करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हो आप पे डिपेंड है। तो आपको ये सिलेक्शन बताया था मैंने, आपको जैसे सेलेक्ट करना है क्या करना है, आप यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से टाइप टूल लेंगे। आपको पूरे टेबल में करना है तो इस कोने में माउस को लाएंगे तो आपका क्या माउस एरो में कन्वर्ट होगा
और लेफ्ट क्लिक कर दे माउस से तो पूरा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ टेबल में जाए, सेल ऑप्शन में जाए, टेक्स्ट में जाके ये अप्लाई कर दे तो आपका क्या होगा, पूरी टेबल में अप्लाई हो जाएगा ये। और किसी एक सेल में करना चाहते हैं तो उस पर नॉर्मल क्लिक रखें तो उसी में होगा, किसी कॉलम में चाहते हैं तो बस यहाँ से क्लिक करें सेल्स ये कॉलम सेलेक्ट होगा, किसी रो में चाहते हैं तो यहाँ लेफ्ट साइड ले जाएँ रो सेलेक्ट होगा। इस तरह से स्पेसिफिक आप किसी में भी अप्लाई ये कर सकते हैं। चलिए इसको मैं अभी क्या करता हूँ, अंडू कर देता हूँ, कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। आप तो टेक्स्ट की स्पेसिंग आप सीख गए होंगे, हम टेक्स्ट के अराउंड सेल में कैसे स्पेसिंग करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ आगे इसके बाद जो ऑप्शन है वो बताता हूँ आपको मैं। इसमें क्लिक किया, टेबल में गए, सेल ऑप्शन में गए, टेक्स्ट में गए। आप ये समझ गए आप ये चारों में कैसे करते हैं। अगर किसी एक में करना है तो इसको ऑफ करके कर लेंगे, और चारों में करना है तो इसमें क्लिक करेंगे तो चारों में हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट आपका है वर्टिकल जस्टिफिकेशन। अब ये क्या होता है इसको देखिए आप। अब यहाँ जो वर्टिकल जस्टिफिकेशन होता है ये अलाइनमेंट होती है टेक्स्ट की। अब इसके अंदर जब क्लिक करेंगे तो ये आपकी होती है चार होती है, एक अलाइन टॉप, अलाइन सेंटर, अलाइन बॉटम और अलाइन क्या जस्टिफाई। ये तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, टॉप से अलाइन होती है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करता हूँ मैं यहाँ पे पहले कुछ इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सेल को, तब आपको समझ में आएगा। देखो सेल की हाइट मैंने बड़ी कर दी खींच के, हाइट कैसे बड़ी करते उस चीज़ को भी देखिए आप। हमने टाइप टूल से क्लिक किया और माउस पॉइंटर को जैसे ही हम बॉर्डर पे लाएंगे तो माउस पॉइंटर देखिए आपका एरो में कन्वर्ट हो गया। तो आपको करना क्या है, माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखना और जितनी बड़ी चाहिए आप खींच के छोड़ दें। उसी तरह आपको राइट से भी बना करना है, माउस बटन को जैसे ही वहाँ लाएंगे आपका एरो की हो एरो में क्या है आपका एरो में कन्वर्ट हो जाएगा, खींच दें बड़ा होगा अंदर करें छोटा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब जो हमारा मेन टॉपिक था आपको समझाने का सेल का अलाइनमेंट होता क्या, टेक्स्ट का अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट आपका टॉप से कुछ भी टाइप करेंगे आपका बाय डिफॉल्ट टॉप से आती है नीचे की तरफ आते जाती है। अब देखिए हमने इसके अंदर कुछ भी लिखा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, तो ये आपको नीचे की तरफ फ्लो होते जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वही है, आपको जो भी टाइप होती है बाय डिफॉल्ट टॉप से होती है। इसी चीज़ को समझाना है आपको, यहाँ पर टेबल के अंदर गए, सेल ऑप्शन में गए, टेक्स्ट में गए। अब जो देखिए यहाँ पर जो वर्टिकल जस्टिफिकेशन बाय डिफॉल्ट क्या दे रखा है, अलाइन टॉप से। अभी यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, अगर चाहे सेंटर से देखिए 20 से आपका टाइप होगा, आप चाहिए बॉटम से नीचे से टाइप होगा, और ये जस्टिफाई वर्टिकली इसमें अंदर काफ़ी सारा है। जैसे होते हैं जस्टिफिकेशन होता है ना, आपको दोनों तरफ से इक्वल कर देती है, आपका ज़्यादा टेक्स्ट है तो क्या करेगा ऊपर नीचे से इक्वल स्पेस छोड़ेगा। तो आप यहाँ से भी इसको आप सेट कर सकते हैं, आपको टॉप रखना है, बॉटम में रखना है टेक्स्ट को, या सेंटर रखना है, या जस्टिफाई करना है, आप यहाँ से आप सेट कर सकते हैं किसी एक सेल के लिए भी, किसी कॉलम के लिए भी, किसी रो के लिए भी, पूरी पूरी टेबल के लिए। जैसे आपको मैंने बताया पूरा चाहिए तो आप कॉर्नर जाकर क्लिक करें पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से आप अप्लाई कर दें। इस तरह से आप फिर या क्या टेक्स्ट की जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट भी आप सेट कर सकते हैं। और जो यहाँ पैराग्राफ स्पेसिंग लिमिट है इसको आप अभी नहीं छेड़ें, क्योंकि थोड़ी आगे चल के एडवांस लिमिट एडवांस लेवल के जो आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि अभी आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ जो आपको नॉलेज होना चाहिए। अब है नेक्स्ट आपका बेस लाइन। अब चलिए बेस लाइन के बारे में आपको बताता हूँ क्या है। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया, अब इसी पर रखते क्लिक किया, ठीक है, टेबल में आए, सेल ऑप्शन में आए, टेक्स्ट में आए। अब हम चलते हैं बेस लाइन की तरफ। जो फर्स्ट बेस लाइन है उसको बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एसेंट होता है। देखिए एसेंट ऐसा है, देखिए दूसरी आपकी कैप हाइट। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी बेस लाइन किसको बोलते हैं उस चीज़ को आप समझिए ध्यान से। ये जो हमने टाइप किया है, कुछ भी टाइप करते थे हमारी एक बेस लाइन होती है नीचे से, ठीक है, ये यहाँ से होती है जो टेस्ट की नीचे की बेस लाइन होती है। अब ये जो टाइप हो रहा है, अब इसको बाय डिफॉल्ट देखिए क्या होता है, इसमें हम क्लिक किए, टेबल में दे गए, सेल ऑप्शन में गए, टेक्स्ट में गए, और यहाँ पे एसेंट जो ऑफसेट है ये देखिए यहाँ पे गाइडलाइन लगाए, आप समझिए ध्यान से। तो बाय डिफॉल्ट एसेंट में क्या होता है, यहाँ से हो गई। अब दूसरा करते हैं कैप हाइट। कैप हाइट क्या होता है, देखिए थोड़ी ऊपर की तरफ चली जाती है ये। नेक्स्ट आपका लीडिंग। लीडिंग क्या करेगा, स्पेसिंग के अकॉर्डिंग आपको ये जो अलाइनमेंट होती है बेस लाइन की उसके अकॉर्डिंग करेगा ये। और नेक्स्ट है एक्स हाइट। आपकी हाइट क्या हो, हाइट और वेट दो चीज़ को आप समझिए क्या होता है, एक एक्स होता है एक वाई होता है। जो एक्स होता है आपको क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, एक क्या होता है हाइट जो होता है वाई की तरफ होता है। तो अगर ये एक्स हाइट करेंगे तो ये क्या है पूरे टॉप की तरफ चिपक के आएगा, जो आपको सेल है सेल में पूरा चिपक के तरफ आएगा। चाहते हैं कि हमें स्पेस नहीं छोड़ें पूरा चिपक के, तो एक्स हाइट आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड। फिक्स्ड क्या होता है, आपका सेल से बाहर निकल जाता है। तो इसको आपको करने की जरूरत, इसको आप बाय डिफॉल्ट एसेंट ही रखिए, इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप फंस जाएंगे। तो बस आपको समझाना था इसलिए मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद क्या आपको इसको मैं क्लिपिंग को बाद में बताता हूँ। आपने टेक्स्ट रोटेशन की बात करते हैं। अब जो चाहते हैं किसी सेल के अंदर आपने टेक्स्ट लिखा, आप उसको रोटेट करना है। बाय डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट क्या आता है, नॉर्मल आता है 0 डिग्री पे। तो अब इसको करना है, आप टेक्स्ट को रोटेट करना है, आप उल्टा घुमाना है सीधा घुमाना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए 90 डिग्री करेंगे टेक्स्ट आपका देखिए घूम जाएगा। तो आपको मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर ही दिख जाए। अब इसको यहाँ रखता हूँ।
अब देखिए इसके अंदर मैंने क्लिक करता हूँ, इसको मैं घुमाना है तो मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ टेस्ट सेल को बड़ा करता हूँ जैसे समझ में आएगा। टेबल में गए, सेल ऑप्शन में गए, टेक्स्ट में गए, अब इसको घुमाना है टेक्स्ट को हमें क्या किए 90, देखिए इस तरह से आपका घूम जाएगा। उसके बाद क्या 180 उल्टा आएगा नीचे की तरफ, उसके बाद 270 देखिए इस तरफ से आएगा। तो आपको जैसा चाहिए, आप चाहते हैं ऐसा वर्टिकल आए तो ओके कर दें, और थोड़ी सी क्या करें आप सेल की हाइट को बढ़ा दें तो पूरी पूरी आ जाएगा इस तरह से। तो आपको जिस तरह से भी टाइप करना है यहाँ से आप टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं ईजिली। आप देखिए यहाँ पे आपने जो किया था सेल के अंदर जाके सेल ऑप्शन टेक्स्ट में यहाँ से कर सकते, बाय डिफॉल्ट आपको कुछ और भी चाहिए तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं उल्टा सीधा घुमा के जैसे घुमा के चाहिए आपको यहाँ से आप कर सकते हैं जो ठीक लगे आपको। एक होता है कभी हमें इस तरह वर्टिकल लिखना होता है, कभी हमें क्या होता है बॉटम में भी लिखना होता है, कभी हमें क्या होता है स्ट्रेट लिखना होता है, आपकी मर्जी है। अभी क्या कर दिया, अब नेक्स्ट आपका आता है क्लिकिंग कंटेंट टू सेल। अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें क्या है आपको क्लिप क्लिप करना, मतलब आपको पहले ही पता है क्लिप करना होता है किसी चीज़ के अंदर उसको फिट कर देना। तो उसमें क्या होगा आपका कुछ भी हमने टाइप किया यहाँ पे, ठीक है अब देखिए मैं पहले आया हूँ टाइप करता हूँ, इसको पहले जीरो कर देता हूँ, मैं सेल ऑप्शन में गया टेक्स्ट गया इसको मैं कर देता हूँ जीरो डिग्री स्ट्रेट हो गया। यहाँ मैं कुछ भी रिपीट करता हूँ, इसी चीज़ को मैंने क्या किया कॉपी करके दो तीन बार रिपीट कर देता हूँ, ये हो गया। तो इसको बढ़ते जा रही है ठीक है, अब इस चीज़ को मैं देखिए अब यहाँ बढ़ते गई, अब मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, अब जाता हूँ टेबल में जाता हूँ सेल ऑप्शन में जाता हूँ टेक्स्ट में जाता हूँ, अब इसको मैंने किया क्लिप कंटेंट टू सेल और ओके करूँगा। तो ये करता क्या है बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो भी कंटेंट होती है उसको उसके अंदर क्लिपिंग रखता है, मतलब होता है क्या छुप नहीं जाती। कभी कभी होता है ना हम जो कुछ टाइप करते हैं, देखिए आपको यह अलग से मैं टाइप करके दिखाता हूँ, और इसके अंदर हमने कुछ टेस्ट मारा और इसको टेक्स्ट बॉक्स हमारी इतनी ही है तो हमारा क्या होता है जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट होता है हमारा इसके अंदर छुप जाता है। देख रहे जैसे छुपेगा तो आपको कॉर्नर रेड कलर की बॉक्स बन जाएगी, तो वही चीज़ को क्लिपिंग करता है उसके अंदर फिक्स कर देता है वो, मतलब वो कटने नहीं देगा वो टेबल में। यही फायदा आपका जब कुछ भी टाइप करेंगे और वो ज़्यादा होते जाती है तो आपको क्या ऑटोमेटिक सेल आपकी बड़ी होती चली जाएगी, कुछ छुपेगा नहीं ये। अगर मान लो हाँ आपकी होती क्या है जब आपकी टेबल आपकी आपने टेक्स्ट बॉक्स इतना ही लिया और टेबल की आपने रोज बढ़ाते जा रहे हैं हाइट बढ़ते जा रही है तो वो छुपेगी, तो उस पोजिशन में आपको यहाँ रेड दिखेगा तो उसको आप यहाँ से खींच के क्या करें बड़ी कर दें, इस तरह से आपकी ये ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से इजीली आप क्या कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे सेल ऑप्शन में जाके आप टेस्ट की कुछ भी सेटिंग को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने वाली है, एक तो आप सेल की स्पेसिंग जैसे बताया यहाँ पे, उसके बाद आपको बेस लाइन शिफ्ट है आप स्पेसिंग ऊपर नीचे कर सकते हो, ये आप इसका यूज़ कर सकते हो। और फिर ये जो ये वाली है इतनी ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, मेन आपकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी इसकी वर्टिकल जस्टिफिकेशन की पड़ेगी, उसके बाद रोटेशन की पड़ेगी, ये तीन चार चीज़ें आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, बाकी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास आपको मैं बताऊंगा ग्राफिक सेल के बारे में, ग्राफिक सेल की सेटिंग कैसे होती है, जैसे आपको मैंने बताया सेल को हम ग्राफिक सेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर ये ग्राफिक सेल को सेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब उसकी सेटिंग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज जो आपको मैंने बताया टेक्स्ट की सेटिंग बताया है, इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करके देखें, जब तक इस चीज़ को किसी टेबल को प्रैक्टिस करके आप नहीं देखेंगे आपको उतना नहीं आएगा, क्योंकि आप कितना भी वीडियो को देख लें वो दिमाग से निकल जाती है, आपको क्या करना है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको नॉलेज बढ़ेगा। तो ये था हमारा आज का क्लास, अगर आपको आज का क्लास हमारा अच्छा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।